तो मैं हूँ सुरेंद्र। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई बुक द फ्लेमिंगो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर वन को, द लास्ट लेसन। सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम था अल्फोंसो डाउडेट। दोस्तों उनका जन्म 1840 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1897 में हो गई थी। वह एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। दोस्तों द लास्ट लेसन इज बेस्ड ऑन फ्रेंको पर्सियन वॉर, रिजल्ट ऑफ द वार, यानी इस वार में पर्सियन ने फ्रांस को हरा दिया था और इसका नेतृत्व कर रहे थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो बिस्मार्क के नाम से भी फेमस थे। आफ्टर द वॉर टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पर्सियन गवर्नमेंट के हाथ में चले गए थे। इस स्टोरी में दोस्तों हम यही पता लगाते हैं कि इसके बाद वहां के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा। पर्सिया के अंडर आने के बाद अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अभी भी फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती थी। दोस्तों एक दिन जब कैपिटल बर्लिन से एक ऑर्डर पास किया गया कि अब अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इस बात से सभी लोग दुखी हो गए, जैसे मेयर, पोस्टमैन और बहुत सारे लोग। उनमें सबसे ज्यादा जो दुखी हुआ वह एक लड़का था जिसका नाम फ्रेंच था। और दोस्तों यही लड़का हमें इस स्टोरी के बारे में बताता है। दोस्तों हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वन, शुरू करते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से चला और मुझे डांटे जाने का डर था, क्योंकि एम हैमल, जो एक फ्रेंच टीचर थे, ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेगा। मैं पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। एक क्षण के लिए मैंने भागने और दिन बाहर ही बिताने का सोचा। इतनी गर्मी और धूप थी, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले स्थान पर पर्सिया के कुछ सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा लगने वाला था, परंतु मेरे अंदर अपने आप को रोकने की शक्ति थी और मैं स्कूल की तरफ भागा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी हुई थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से ही आ रही थी, जैसे कि हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। और मैंने बिना रुके खुद ही सोचा, अब यहां क्या बात हो सकती है। फिर जब मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा, तो लोहार जो वहां अपने सहायक के साथ खड़ा था बुलेटिन पर पढ़ते हुए मेरे पीछे से चिल्लाया, इतने तेज मत भागो, तुम अपने स्कूल में काफी समय में जा सकते हो। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं हाँफता हुआ एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। सुबह जब स्कूल शुरू होता था तो एक बहुत बड़ी हलचल शुरू होती थी, जो गली में भी सुनाई दे सकती थी, जैसे डेस्कों का खुलना और बंद होना,
एक साथ मिलकर पाठ को दोहराना, बहुत जोर से हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर, कुछ ज्यादा समझने के लिए और अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ। परंतु आज सब कुछ शांत था। मैं हमेशा बिना दिखे अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर के भरोसे रहता था। परंतु उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही वहां आ चुके थे, और एम हैमेल को देखा तो भयानक लोहे का डंडा लिए हुए कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सभी के सामने से अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ और कितना डरा हुआ था। परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। मेरा डर थोड़ा कम ही हुआ था कि मैंने अध्यापक को उसका हरा कोट, उसकी झालर वाली शर्ट और काली मखमली टोपी पहने हुए देखा। सभी चीजें कढ़ाई वाली थी, जिनको वह निरीक्षण और इनाम वाले दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनता था। इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन बेंचों पर जो हमारे पीछे खाली पड़े रहते थे, गांव वालों को चुपचाप हमारी तरह बैठे देखा, जैसे कि बूढ़ा हाउजर अपनी तिकोनी टोपी के साथ, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व डाकिया और इनके अलावा कुछ और लोग। हर एक उदास दिख रहा था और हाउजर एक पुराना कायदा लाया था। उसने इसके किनारों को थपथपाकर खोला और अपने घुटनों पर रख कर अपनी दृष्टि इसके पन्नों पर डाली। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठा और उस गंभीर और भद्र आवाज में, जो वह मेरे साथ प्रयोग करता था, कहा, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी एकदम सावधान हो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। वे शब्द मेरे लिए कितने बिजली की तरह कड़कने वाले थे। ओह, वे दुखी लोग। यह था वो जो उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिख रखा था। मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन? क्यों? मैं नहीं जानता था कि लिखा कैसे जाता है। मुझे और सीखना चाहिए था। मुझे तब वही रुक जाना चाहिए। ओहो, मुझे मेरे पाठ ने सीखने का कितना अफसोस था। पक्षियों के अंडे ढूंढने का, सार पर फिसलते हुए जाने के लिए, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लग रही थी, जो ले जाने में इतनी भारी थी, मेरी ग्रामर, मेरा संतों का इतिहास, अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे।
जिनको मैं त्यागना नहीं चाहता था और एम हैमल भी नहीं त्याग सकता था। इस विचार ने कि वह दूर जा रहा था कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैंने उसके डंडे के बारे में भुला दिया था और यह भुला दिया था कि वह कितना सनकी था। बेचारा आदमी, यह इस पाठ के सम्मान में ही था कि उसने रविवार को पहने जाने वाले कपड़े पहने थे और अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े आदमी कक्षा के पीछे क्यों बैठे हुए थे। यह इसलिए था कि उन्हें भी अफसोस था कि वे भी अब स्कूल नहीं गए थे। यह उनका हमारे अध्यापक को उसकी 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद कहने का तरीका था और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब और उनका नहीं रहा था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, मैंने सुना, मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरा नंबर सुनाने का था। पार्टिसिपल के उस नियम को जो जोर से और स्पष्ट बिना गलती किए हुए बोल पाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था, परंतु मैंने पहले शब्द मिला दिए और खड़ा रहा। मेरे डेस्क को पकड़े हुए मेरा दिल धड़कता हुआ और ऊपर देखने का साहस नहीं करता हुआ। मैंने एम हैमल को मुझे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंच, तुम काफी बुरा महसूस करते होंगे। देखो यह कैसे होता है, हर रोज हम कहते रहे अपने आप से, वाह मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा, और अब देखो हम कहां तक पहुंचे हैं। आहा, अल्सेस के साथ यही तो समस्या है, वह सीखना कल पर टालती रहती है। अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और तुम अपनी ही भाषा को न बोल सकते हो और न लिख सकते हो, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। हमारे पास काफी संख्या में बदनाम करने के लिए और भी है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में इतने चिंतित नहीं रहते थे क्योंकि वे तुम्हें खेत के काम पर या मिल में लगाना चाहते थे ताकि कुछ और पैसा आए, और मैं, मेरा भी दोष रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें अक्सर अपने फूलों को पानी देने भेजा पढ़ाई करने के बजाय, और जब मैं मछलियां पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। फिर एम हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद एक बातें करता रहा, यह कहता हुआ कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे अधिक तर्कसंगत, हमें इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर उसने ग्रामर खोली और हमें पाठ पढ़ाया। मैं बड़ा हैरान था कि मैं इसको कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। जो कुछ उसने कहा वह इतना आसान लगा। मैं भी सोचता हूं कि मैंने ध्यान से कभी नहीं सुना था और उसने भी इतना धैर्य पूर्वक कभी भी नहीं समझाया था। यह लगभग ऐसा था मानो वह बेचारा आदमी जाने से पहले हमें जो कुछ उसके पास था वह सब देना चाहता था और एक ही बार उस सब को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। ग्रामर के बाद
हमारे पास लिखाई का पाठ था। उस दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी जो सुंदर घुमावदार हाथ से लिखी गई थी। फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे स्कूल में सभी जगह छोटे झंडी जैसी लग रही थी। हमारे डेस्क के ऊपर एक डंडे पर लटकी हुई। आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम पर लगा हुआ था और कितनी शांति थी। केवल एक आवाज कागज पर पेन के चलने की थी। एक बार कुछ कीट भी उड़कर अंदर आए, पर किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया, छोटों ने भी नहीं जो उनके फिश हुकों को ट्रेस कर रहे थे, मानो कि वह भी फ्रेंच था। छत पर कबूतर बहुत धीमे चहक रहे थे और मैंने खुद अपने आप में सोचा, क्या वे इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे कबूतरों को भी। मैं जब भी अपनी लिखावट से नजर हटाकर ऊपर देखता तो मुझे एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिया और एक के बाद एक दूसरी चीज को देखता हुआ, मानो वह इस स्कूल के कमरे की हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहता हो। कल्पना करो, 40 वर्ष से वह उसी जगह पर था। खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसकी कक्षा के सामने ठीक उसी तरह, केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। अखरोट के पेड़ बगीचे में थोड़े लंबे थे और होप वाइन एक तरह की बेल होती है जो खुद उसने लगाई थी, खिड़की से होते हुए छत पर चढ़ गई थी। इन सब को छोड़कर उसका दिल कितना टूट गया होगा। बेचारा उसकी बहन को ऊपर घूमते हुए और उनके बक्सों के सामान पैक करते हुए सुना, क्योंकि अगले दिन उनको देश छोड़ना होगा। लेकिन उसमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लिखाई के बाद हमारा इतिहास का पाठ था। फिर बच्चों ने अपने बा बे बी बो बू गाए। कमरे में पीछे बैठे बूढ़े हाउजर ने अपने चश्मे पहन लिए थे और दोनों हाथों में अपना कायदा पढ़कर उनके साथ अक्सर बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी और उसको सुनना इतना मजा किया था कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। आहा, मुझे यह कितना अच्छी तरह से याद है, वह अंतिम सबक। अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजाए, फिर प्रार्थना। उसी समय अपने अभ्यास से लौटती हुई पर्सियन सेना के बिगुल हमारी खिड़की के नीचे बजे। एम हैमिल खड़ा हो गया, एकदम फीका पड़ा हुआ अपनी कुर्सी पर। मैंने पहले कभी उसको इतना लंबा नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैं। परंतु किसी चीज ने उसका गला रोक दिया था। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, एक चाक का टुकड़ा उठाया और फिर पूरी ताकत के साथ उसने जितना वो लिख सकता था उतने बड़े अक्षरों में लिखा, वाइवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। तब वह रुका और उसने अपना सिर दीवार के साथ टिका दिया और बिना कुछ बोले उसने हमें हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म हो गया है, अब आप जा सकते हो। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, इसका दी एंड यहीं हो जाता है। मुझे उम्मीद है
कि आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ मिस्टेक या आपको कमी लगी है तो प्लीज कमेंट करें और बताएं। दोस्तों देखते हैं वर्ड मीनिंग पैराग्राफ वाइज। पैराग्राफ वन, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, बहुत बड़े डर में होना। स्कॉल्डिंग या स्कॉल्ड, डांट या फटकार। चिरपिंग, चहकना या चहचहाना। सॉ मिल, आरा मशीन या लकड़ी चीरने का यंत्र। ड्रिलिंग, अभ्यास या प्रैक्टिस। टेम्पटिंग, मोहक या आकर्षक। रेसिस्ट, विरोध। वर्ड मीनिंग ऑफ पैराग्राफ सेकंड। क्राउड, भीड़। बैटल्स, युद्ध। ब्लैकस्मिथ, लोहार। प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय। वर्ड मीनिंग ऑफ पैराग्राफ थर्ड एंड फोर्थ। अ ग्रेट बस्टल, एक बड़ी हलचल। इन यूनिसन, एक सुर में या एक साथ। काउंटेड ऑन, गिना जाना। कॉमोशन, हल्ला गुल्ला। टेरिबल, भयानक या डरावना। ब्लस्ट, शर्माना या शर्माया। फ्राइटेंड, डरा हुआ या डरा। वर्ड मीनिंग ऑफ पैराग्राफ फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। वंडरिंग, आश्चर्य से सोचना। अटेंटिव, सचेत या सावधान। थंडर क्लैप, बिजली की कड़क। न्यूसेंस, बाधा या रुकावट। क्रैंकी, सनकी। वर्ड मीनिंग ऑफ पैराग्राफ एट एंड नाइन्थ। रिसाइट, सुनाना। डेडफुल, भयानक या डरावना। डेयरिंग, साहसी या बहादुर। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ टेंथ एंड इलेवन। प्रिटेंड, नाटक या बहाना करना। वर्स्ट, सबसे बुरा। एनेक्जियस, चिंतित या व्याकुल। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ ट्वेल्थ। एनस्लेव्ड, गुलाम। अमेज्ड, हैरान। सीम्ड, लगना या दिखाई पड़ना। एट वन स्ट्रोक, एक ही बार या झटके में। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ ट्वेल्थ, थर्टीन एंड फोर्टीन। आउट टू हैव सीन, देखना चाहिए था। मोशनलेस, सचेत या सावधान। गैजिंग, एकटक देखना। वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़। ऑफ वाइन, एक तरह की बेल। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ 15 एंड 16। चैंटेड, गुणगान करना। स्पेक्टेकल्स, चश्मा। ट्रेम्बल्ड, कांपना या कांपा। ट्रम्पेट, एक तरह का वाजा। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ 17। चॉक, गला रोकना। वाइवे ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। गेस्चर, इशारा या संकेत। डिसमिस्ड, समाप्त या खारिज।
थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।